हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, किन किन एलिमेंटों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जनरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके वजह से बनता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन होता है एक्सचेंज? तो होता है जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में। किसके किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जनरली क्या होता है ना, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इनके बीच में जनरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या कह लीजिए एक्सचेंज होता है। ट्रांसफर मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, इस तरीके से तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है और इसी वजह से ये बॉन्ड बनता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है? तो यहां पर मैं बता दूं कि जनरली जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस कंडीशन में अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, और अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है? तो समझते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस कंडीशन में कैटायंस बनते हैं, और अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस कंडीशन में एनायंस बनते हैं। अब कैसे बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली मान लीजिए हम एक मेटल एक्स मान लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका जेड कितना है, जेड मान लीजिए 11 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो के सेल होगा, एल सेल होगा, एम सेल होगा, के सेल होगा, एल सेल होगा और एम सेल होगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास वैलेंस सेल। क्या हो जाएगा, ये वैलेंस सेल, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जनरली क्या होता है, ये जो x है ये -1 इलेक्ट्रॉन, यानी -1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा x प्लस। चला रहा, इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन बोलेंगे। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। और इस टाइम पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 and 8, ये k से ये l से। अब इसके बाहरी सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी स्टेबल होने के लिए इस मेटल ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, तो याद रहे कि जनरली मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, क्योंकि वो इजी होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज करना है वो बहुत कम होते हैं और एनर्जी का एक्सचेंज बहुत कम होता है, इसी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करेंगे तो ये स्टेबल हो जाते हैं और ये बना लेते हैं क्या, कैटायंस बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर लीजिए, इनके बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या बनते हैं, कैटायंस बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो उसके नीचे में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अगर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखोगे कि वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया है और वो फाइनली क्या हो जाता है, स्टेबल। इसी तरीके से जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, मान लेते हैं कि वाई एक नॉन मेटल है हमारे पास, और मान लेते हैं कि इसका जेड जो है वो 17 है थोड़ी देर के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो इस कंडीशन में के सेल होगा, यल सेल होगा, यम सेल होगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इसका वैलेंस सेल कहलाएगा, ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रॉनों का लेन देन वैलेंस सेल से ही होता है, ठीक है, ध्यान। अब इसके पास, इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका 8 हो जाए या ऑक्टेट या ड्यूप्लेट हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या होगा, ये वाई है, ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने से क्या होगा, वाई निगेटिव बन जाएगा। इस कंडीशन में अगर इसको चेक किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, एनायन बन गया। और ये जो एनायन बना है, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप इसका चेक करोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका हमारे पास जो निकल के आएगा, जैसे के से, यल से, यम से, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, कितना हो जाएगा, 8। अब चेक करो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट स्टेबिलिटी को अचीव करके ये स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसके वजह से फॉर्मेशन होता है कैटायंस का और एनायंस का। जब ये कैटायन और एनायन बन जाते हैं, तो ये कैटायन और एनायन के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करने लगता है, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स एक्ट करने लगता है, और इसी फोर्स की वजह से ये दोनों एटम्स या दोनों आयंस आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने की वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे यहां देख लेते हैं, अब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयन हो गया, ठीक है। क्या होता है, अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो पहले फॉर्मेशन ऑफ आयन होगा, फॉर्मेशन ऑफ, तो आयंस बन जाते हैं जनरली मेटल से, ठीक है ना, मेटल से क्या बन जाते हैं, देखिए भाई, मेटल से बन जाएंगे कैटायन, नॉन मेटल से क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल से बन जाएगा एनायन, ठीक है, एनायन। और जब ये कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में बनाएंगे स्टेबल मॉलिक्यूल, क्या बनाएंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल, सुना ना। तो स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एक्ट करेगा, यहां पर क्या होगा, इन दो यानी जो कैटायन है जो एनायन है उनके बीच में यहां एक बॉन्ड होगा, ठीक है, एक फोर्स होगा या कह लीजिए या एक लिंकेज होगा, जो एक लिंकेज होगा जो दो कैटायन और एनायन दोनों को, कैटायन और एनायन को आपस में होल्ड करके रखेगा। और ये जो फोर्स या जो लिंकेज होगा उसका नाम क्या देते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग, है ना, इंटर एटॉमिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स होता है, जो लिंकेज है जो कैटायन और एनायन के बीच में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, ठीक है ना, या ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये समझ में आ गया कि बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए। पहले मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटल नॉन मेटल आपस में पहले क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, जिसके वजह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, और इस कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन के वजह से इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, ठीक है, या वो फोर्स या लिंकेज होगा जो कि होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन करके स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे, और इस तरीके से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा इस बॉन्ड की वजह से। तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब इसके थोड़ा डिफिनेशन को लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं जरा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, चलो ये समझ। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको हटा सकूं, ठीक है, चलिए। अब हम डिफाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड या ये जो सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या, तो
डिफाइन या डिफिनेशन, ठीक है। अ बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, जनरली टू और मोर एलिमेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय जनरली टू और मोर एटम्स बाय ट्रांसफर और ठीक है, मैं एक्सचेंज लिख देता हूं, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ टू और, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एंड एक्सचेंज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन, ठीक है, क्या लिख देता हूं, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ना, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज आप जानते हैं क्या है, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान रहे, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय एक्सचेंज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब इसके बाद से ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसकी वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल का नाम इसके बॉन्ड के बेसिस पर दिया जाता है। इस स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम इसके बॉन्ड के बेसिस पर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की मदद से बनते हैं, खत्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रो वैलेंट और आयनिक कंपाउंड। समझ आया, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि ऐसे कंपाउंड्स जो जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, जो कि मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना लिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की मदद से, एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छूटा हुआ है, ठीक है, ये मान लो पहला हो गया हमारे पास पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा जो पॉइंट हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझना है, वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, जैसे एक मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उतना उस मेटल का इलेक्ट्रोवैलेंस, ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन एक मेटल लूज करेगा उतना ही एक दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है जनरली, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रो
वैलेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड बिटवीन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझा गया इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गया। अब यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गया। एक दो ऐसे मैं कंपाउंड्स लेता हूं जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो मैं एक कंपाउंड, एक या दो कंपाउंड लेकर के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसे इसको करें। चलिए अब इसको हटा दो, समझ में आ गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, देखिए जो सोडियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है, जनरली यहां पर मेटल सोडियम होगा और जो नॉन मेटल होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन होगा। अब ये जो सोडियम मेटल है इसका एटॉमिक नंबर यानी जेड कितना होता है, 11, जैसे अभी मैंने पहले बताया, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड, चलिए मैं कर देता हूं, आपको समझ में बस आना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं करूं तो इस कंडीशन में KCl, LCl, MCl, 1, 2, 8, 1, तो ये क्या करेगा, जो सोडियम होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Na+, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कैटायन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, जनरली हमारे पास नॉन मेटल क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूं तो KLMCl जिसमें हो जाएगा 2, 8 और 7, ये इलेक्ट्रॉन जो जनरली क्लोरीन है, ठीक है, ठीक है, जो क्लोरीन है वो जनरली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद बनाएगा Cl-, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोरीन एनायन हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये सोडियम Na+ और ये क्लोरीन Cl- बना लेगा तो आपस में कंबाइन करेगा क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा और ये बना लेगा NaCl, ठीक है। अब ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड है जो कि स्टेबल है, ये एक कंपाउंड है जो कि स्टेबल है, सुना ना। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि किस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है ना, ठीक है। इसको इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अगर स्टूडेंट आपसे ये पूछा जाए कि सो द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से इनके बीच में बनता है और स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये सो करिए, तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हमारे पास दो तरीका होता है, एक होता है कि हम इसको डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दें और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट। अगर हम डॉट स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएं तो किस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये जो बॉन्ड बनता है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका हमारे पास है टू वेज, पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, और वही जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन करने वाला है होता है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन में से, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी शेल में है। तो ये क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यहां, ठीक है, और जब ट्रांसफर करेगा तो क्या बनेगा, ये बना लेगा Na+, इसके पास अब इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसके बाहरी सेल में यदि आप चेक करें तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाएंगे, और ये बना लेगा Cn-। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl, सुना है, क्या बना लेंगे, NaCl। तो ये ध्यान रहे, तो यहां पर किस तरीके से ये इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कि पहले सोडियम था, सोडियम का एक एटम था, ये सोडियम का एक ये एटम था, ये क्लोरीन का एक एटम था, ठीक है। अब हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाएगा तो ये बना लेगा कैटायन, ये बना लेगा एनायन, अब इस कैटायन एनायन के बीच में फोर्स एक्ट करेगा और ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा जो तरीका हमारे पास आता है वो क्या हो जाता है, ये दूसरा होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरली ऑर्बिट्स दिखा, जैसे मान लीजिए सोडियम होगा, सोडियम के एटम में एक ये मान लेते हैं कि पहला सेल है, ठीक है, या इसको न्यूक्लियस मान लेते हैं, इसके बाहर एक सेल, ये दो सेल, और फिर ये तीन सेल, ठीक है, हो गया क्या, इसके पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसके बाद से इसके बाहर इस उसके दूसरे वाले सेल में है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो यहाँ कंबाइन करना चाहता है वो हो जाएगा क्लोरीन, इसके बाहरी सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहली सेल में इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसके दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और फिर इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये मैंने बना दिया, तो हो गया क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां चलाएगा, और इस कंडीशन में होगा क्या कि सोडियम का ये बाहरी वाला सेल रिमूव हो जाएगा, ये सोडियम का एक एटम, ये क्लोरीन का एक एटम। अब हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na के पास पहला ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, यहां दूसरा हमारे पास होगा क्लोरीन, न्यूक्लियस पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, पहले सेल में होगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में होगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में होगा इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, अच्छा ये तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके में हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब ये आपस में जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो बना लेगा हमारे पास NaCl, क्या बना लेगा, NaCl, सुना है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम, और ये दो तरीका है जिससे कि आप इस केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पूछा जाएगा कि सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपको इस तरह दिखाना रहेगा, सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम, तो आपको इस तरह दिखाना रहेगा। तो ये दो तरीका है, अभी आपको दो तरीके समझ में आ गया किस तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो बाकी सब सेम है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट यानी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें बनती है भी मैंने बताया, ठीक है ना।
अब इसके बाद से हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और उसमें भी मैं आपको एक दो एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा कि किस तरीके से वहां बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।